गाइस, कैसे हो आप लोग। अभी मैं सो के उठा हूँ, अभी बच रहा है सुबह का 5 और आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। तो आज आपको हम ले जाएंगे पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी घुमाने के लिए। तो वहाँ हर साल प्रोग्राम होता है, वो आपको आज हम दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग सबको, पहले चलते हैं आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं हम। सो गाइस, देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं अपने घर के पीछे, आ चुके हैं घर के, और देख सकते हैं अभी सुबह 5 बज रहा है, 4 तक अंधेरा है। तो गाइस हम साइकिल निकाल लिया, चलते हैं सुबह से घर पे। सूरज को बुला, सूरज साथ चलेंगे हम यूनिवर्सिटी। और ये देखिए सूरज भाई निकल गया है घर से बाहर। हाँ, A few moments later. So guys, अभी हम हैं पूसा बाजार में। अभी हम लोग जा रहे हैं पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अब घुमाने ले जा रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर सूरज साइकिल चला रहे हैं, और हम पीछे बैठे, मेरा साइकिल खराब हो गया था, नींद में साइकिल चला रहा, कहीं ठोक भी देगा। दिखाते हैं आपको फ्रंट कैमरा से बाजार का नज़ारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेकेंड बाइक का न्यू रेस्टोरेंट खुला है, और आ चुके हैं लाइन पेटर के पास में। 20 minutes later. Guys, अभी हम पहुंच चुके हैं पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गेट के सामने में। मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूसा यूनिवर्सिटी का गेट है। अभी चलते हैं अंदर, आपको हम दिखाते हैं 15 अगस्त में, क्योंकि हर साल 15 अगस्त में यहाँ पर अंदर में प्रोग्राम होता है। इस बार हो रहा है या नहीं सब आपको डिटेल बताएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं। तो गाइस हम गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का नज़ारा। और हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर शेर का स्टैचू बना हुआ है, और देखते हैं गेट कितना बड़ा पीछे। और यहाँ पर गाड़ी, बड़ा गाड़ी ना जाए इसके लिए यहाँ पर लगा हुआ है रुकने के लिए। और चलिए आपको आगे हम दिखाते हैं। देख सकते हैं पीछे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मूर्ति कितना ज़्यादा सजाया गया है, और देख सकते हैं पूरे छाई छाई से बना हुआ है गोलंबर का, उसमें पूरे चारों से डेकोरेट किया हुआ है। चलिए आपको ऊपर हम दिखाते हैं मूर्ति। और ये देख सकते हैं ऊपर आ गए। आप पीछे देख सकते हैं मेन यूनिवर्सिटी का अंदर में रेस्टोरेंट है, और अंदर में ही 15 अगस्त तक। तो हम देख सकते हैं यूनिवर्सिटी गेट के अंदर घुस चुके हैं, और चलिए आपको आगे दिखाते हैं क्या तैयारी चल रहा है 15 अगस्त की। तैयारी है या कुछ होने वाला है 15 प्रोग्राम। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ।
शाम कुछ देर बाद होगा, बट देख सकते हैं अभी बारिश अब पूरे मौसम हो चुका है, बारिश होने वाला है। और हम लोग अभी आ चुके हैं पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर और देख सकते हैं नज़ारा। वो पहले देखिए आसमान में चारों तरफ पूरे बादल लगा हुआ है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। चलिए आगे, अभी हम कहीं पर जाकर छुपते हैं, बारिश होने लगा है। सूरज भाई भी देख सकते हैं पीछे आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी थोड़ा देर बाद जो प्रोग्राम होगा उसका भी हम वीडियो को दिखाएंगे। सबसे पहले जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी था तब से ही पुतला यहाँ पर बनाया गया। और देख सकते हैं बारिश भी होने लगा है। और ये देखिए स्टैचू। A few moments later, बारिश बहुत जोर से हो रही है और अभी 6 बजने वाला है। और चलिए आपको हम आगे कैंटीन दिखाते हैं और बने रही हमारे साथ। आगे में सरस्वती माँ का वहाँ पर देखो मूर्ति भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले देखिए फ्रंट कैमरा से नज़ारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। देख सकते हैं बारिश हो रहा है, हमारे पीछे सरस्वती माँ का मूर्ति है। और आज 15 अगस्त है पर बारिश होने लगा, हम लोग फंस चुके हैं। अब चलते हैं कैंटीन के अंदर, देखते हैं कुछ मिलता है। सो चाय हुई नाश्ता करते हैं, चलते हैं अभी फिंग रहे हम। तो बने रहिए ब्लॉग में कंटिन्यू, आगे अभी जो होगा प्रोग्राम उसका वीडियो बनाकर डालेंगे हम। और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और एक कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देख सकते हैं कैंटीन, चलते हैं अभी कैंटीन के अंदर। बारिश हो रहा है, आ चुके हैं और बारिश हो रहा है। कैंटीन में कुछ नहीं बना है, 1 घंटे बाद कुछ खाने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं कैंटीन का नज़ारा दिखाते हैं। बारिश बहुत कष्ट हो रहा है, अभी हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि अभी कुछ प्रोग्राम भी स्टार्ट नहीं हुआ है और भी मतलब यहाँ पर भींग रहे हैं। तो चलते हैं अभी बाहर में कहीं होटल में चाय भी पीते हैं। कुछ देर बाद बारिश छूटेगा, अगर प्रोग्राम स्टार्ट होगा फिर हम आते हैं यहाँ पर। तो गाइस हमने चाय पी लिया, आप चलते हैं घर। बारिश कहीं बहुत हो रहा है, आप प्रोग्राम का होगा तो 9 बजे आएंगे फिर दोबारा हम वीडियो बनाने के लिए। 2 hours later फाइनली हम यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं, प्रोग्राम चालू हो। चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं, बन रही है। और अभी हम बारिश भी हो रहा है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। माननीय कुलपति महोदय विश्वविद्यालय को संबोधित करेंगे और उनको सुनने की उत्सुकता सबके मन में है। मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय को प्रेरणादायी शख्सियत को 4 पंक्ति भेंट करना चाहूंगी। गहरी समझ गहरी नजर औरा गहनतम दिख रहा, उन्नत है आभा भाल कर मेघा का मंथन दिख रहा। ऐसा नहीं ऐसे नहीं इन पर फिदा सारा शहर यह जान लो, इस देश के निर्माण में इनका समर्पण दिख रहा। जोरदार कल ध्वनि से कुलपति महोदय का स्वागत करें। सर मैं आपसे अनुरोध करती हूँ अपने मुखारविंद से जन सब कहें। सहयोगी अधिष्ठातागण, निदेशकगण, शिक्षक, वैज्ञानिक, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं, श्रमिकगण, प्रेस एवं संचार माध्यमों के प्रतिनिधिगण, महिलाओं, सज्जनों, आए हुए प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
आज हम स्वतंत्रता के 74 वर्ष पूरे कर 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालांकि गत वर्ष से कोरोना महामारी फैली हुई है, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हम सभी के उत्साह में कोई कमी नहीं है आज। लेकिन कमी जो खल रही है वो हमारे बच्चों की, हमारे अपने छात्रों की, छात्र छात्राओं की, जो इस कोरोना के चलते यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। आज सचमुच मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमें आज उनकी कमी खल रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही वो हमारे बीच होंगे। इस दिन हम संघर्ष, विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद करते हैं। बरसों तक अंग्रेजों की गुलामी झेलने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। अंग्रेजों का अत्याचार सहने के बाद कितने ही सेनानियों ने बलिदान दिया, तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। हमारा देश नित्य प्रति आगे बढ़ रहा है और आज हम एक महाशक्ति बनने के रास्ते पर हैं। हम एक विशाल विविधता वाले देश हैं और हमारी एकता हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाती है। प्रौद्योगिकी से किसी तक हम दुनिया के शीर्ष देशों में से एक हैं। अब हम हमेशा आगे बढ़ने और बेहतर से बेहतर करने के लिए कल रास्ते पर हैं। मैं आज इस महान अवसर पर अपनी ओर से, आप सबों की ओर से और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी और उन महान सपूतों को जिन्होंने पिछले 74 वर्षों में एक नए भारत के निर्माण के लिए निर्माण में मदद की है, को स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, बड़े हर्ष के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गत वर्ष इंडिया टुडे सर्वेक्षण में इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान एवं किसी विश्वविद्यालय की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। आप सबकी मेहनत रंग लाई और हम इस वर्ष के सर्वेक्षण में 9वां स्थान तथा शिक्षक छात्र अनुपात में 3रा स्थान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय को फिक्की हायर एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड 2020, एक्सलेंट ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव अवार्ड 2021 फ्रॉम एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप भी मिला है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रकोठी को राष्ट्रीय स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी अवसर पर वैशाली जिला की महिला किसान श्रीमती मनोरमा सिंह को वर्ष 2020 के लिए जगजीवन राम अभिनव कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2011 से 2018 खंडचार बिहार स्थित 44 किसान कृषि विज्ञान केंद्रों का QRT द्वारा प्रगति मूल्यांकन किया गया और विभिन्न मापदंडों पर निरीक्षण एवं मूल्यांकन पश्चात कृषि विज्ञान के प्रकोठी और बिरौली समस्तीपुर को सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में चयनित किया गया। यह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। विश्वविद्यालय परिसर को कोरोना मुक्त रखने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए गए और आप सभी कर्मियों के सहयोग से विश्वविद्यालय परिसर को कोरोना मुक्त रखने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। हम पूरे देश में इकलौते ऐसे विश्वविद्यालय परिसर हैं जहां कोरोना काल में कोई दुखद घटना नहीं हुई। इसके लिए हम आप सभी को बधाई देते हैं और परमपिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे परिसर को, हमारे सभी संगी साथियों को, उनके परिवारों को सुरक्षित रखा इस दौरान। इसके लिए मुझे कुछ कड़े निर्णय लेने पड़े जिससे कुछ लोगों को असुविधा हुई, लेकिन अंत में जो परिणाम आए वो दर्शाते हैं कि ये निर्णय हम सबकी सुरक्षा के लिए कितने कारगर हैं। कोरोना काल में उन सभी कर्मियों को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस कठिन समय में कैंपस की सभी आवश्यक सुविधाएं चालू रखी। पिछले सेमेस्टर में छात्रों के लिए क्लासरूम टीचिंग की व्यवस्था की गई, किंतु कुछ छात्रों के कोविड से ग्रसित हो जाने के कारण पुनः ऑनलाइन टीचिंग शिक्षकों के सहयोग से सभी कक्षाएं पूरी की गई। पुनः हम इकलौते ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां एकेडमिक सत्र का कोई नुकसान नहीं हुआ
और समय पर परिणाम घोषित कर दिए गए। इससे हमारे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेने तथा नौकरी पाने में बहुत सहायता मिली है। इस कठिन परिस्थिति में भी हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों को नौकरियां मिली हैं। जब पूरा देश, पूरा विश्व ये कहता है कि नौकरियों की शॉर्टेज है, लोगों की नौकरियां गई हैं, लेकिन विश्वविद्यालय परिवार इसके लिए बहुत ही गौरवान्वित है कि हमारे छात्रों को इस दौरान भी कई मुख्य प्रमुख ख्याति प्राप्त संस्थाएँ आईं और उन्होंने करीब 45 छात्रों को औसत पैकेज 4.33 लाख और अधिकतम पैकेज 7.20 लाख प्राप्त करोड़ रुपए पर प्लेसमेंट मिला है। मैं सफल छात्रों एवं विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल को बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2020-21 सत्र में नामांकित छात्रों की संख्या 1500 पहुंच गई है और सत्र 21-22 में यह संख्या बढ़कर करीब 1800 पार कर जाएगी। भारत सरकार के द्वारा पिछले वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। मुझे बताते हुए खुशी है कि सबसे अग्रणी रहने की परंपरा का निर्वहन करते हुए विश्वविद्यालय ने इस नई शिक्षा नीति को सत्र 2021-22 से लागू कर दिया। इसी सत्र से विश्वविद्यालय द्वारा एग्री वेयरहाउस मैनेजमेंट, एग्री टूरिज्म मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा तथा फार्म मैकेनाइजेशन, सीनियर सिटीजन केयर, नर्सरी मैनेजमेंट, टिश्यू कल्चर एवं AI और ETT में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर दिए गए हैं। हमें बहुत खुशी है, आपसे बताते हुए बहुत खुशी है कि इन सभी 8 कोर्सेज के लिए हमें काफ़ी मात्रा में नामांकन अप्लीकेशन मिली और करीब करीब पूरे क्षमता से ये 8 कोर्स इस साल से शुरू हो जाएंगे। मशरूम उत्पादन एवं मछली पालन पे भी अगले सेमेस्टर से सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ कर दिए जाएंगे। 2021-22 से मत्स्यकी महाविद्यालय के एक्वाकल्चर विभाग में PhD पाठ्यक्रम, BTech फूड टेक्नोलॉजी में स्नातक कोर्स तथा 2022-23 से वनस्पति विज्ञान, पादपशरी क्रिया विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान विभाग में जीव रसायन विषय में स्नातोत्तर कृषि प्रारंभ करने की स्वीकृति मिल गई है। गत वर्ष कृषि शोध में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बेहतर काम किया है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न फसलों की 8 किस्मों यथा गेहूं, पापकॉर्न, बेबी कॉर्न, लहसुन, हल्दी, अरबी, निशिकंद, शकरकंद की नई किस्में विकसित की गई, जिन्हें राज्य सरकार से विभिन्न करने की अनुशंसा की गई है। इसी तरह 12 नई तकनीकों का भी अनुशंसा किया गया है। मशरूम का पनीर, गुलाब जामुन प्रोडक्ट तैयार किया है, जिसके लिए पेटेंट फाइल किया गया है। मशरूम सस्ते स्टेबलाइजर कम लागत की एक मशीन विकसित करके उसकी लाइसेंसिंग की गई है और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि पहला इसका प्रोडक्ट पिछले दिनों ही बिक्री हो गया है और उसके लिए अन्य भी बिक्री के ऑर्डर लाइन में हैं। CRA प्रोजेक्ट के अंदर 19 कृषि विज्ञान केंद्रों के 5 गांव में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पटना जिले के फतुहा, बनियावां के 12 गांव में और समस्तीपुर दरभंगा के 25 गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। 17 कृषि विज्ञान केंद्रों के 71 गांव में 3 HP सिंगल फेज पंप और 8 सोलर T लगाया गया, जिससे सिंचाई की समुचित व्यवस्था हुई। किला अनुसंधान ब्यूरो द्वारा उत्पादित टिश्यू कल्चर केले के पौधों का वितरण शुरू हो गया है और करीब 1.80 लाख पौधे वितरित किए जा चुके हैं। 107% पेपर प्रकाशित हुए तथा 168 ऑनलाइन संगोष्ठियों में भागीदारी हुई। बिहार सरकार, भारत सरकार और अन्य बाहरी वित्त पोषित परियोजनाओं की कुल लागत 30 करोड़ के आसपास है। मधुमक्खी उत्पादन में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा 2 नई परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, जिसका कुल बजट 30 लाख रुपए है। स्टार्टअप फैसिलिटेशन के सेंटर के अंदर 12 नए उद्यमियों से साइलेज, मधु उत्पादन, मशरूम उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इत्यादि के लिए MOU के हस्ताक्षर किए गए हैं। विभिन्न निजी कंपनियों के विभिन्न मशीनों के परीक्षण कार्यक्रम के तहत धान, गेहूँ, मक्का से विश्वविद्यालय को करीब 2 करोड़ रुपए की आय हुई है। वनस्पति, पादप, प्राइमरी और जैव रसायन विभाग के द्वारा हल्दी के अवशिष्टों और बेकार पत्तियों से तेल निकालने की तकनीक विकसित की गई है। इससे निकाले गए तेल का उपयोग मच्छर मक्खी भगाने तथा घर के अंदर अनेक प्रकार के कीड़ों मकोड़ों के रोकथाम के लिए किया जा सकता है। आधार विज्ञान द्वारा किसी के सभी संकायों के सभी पाठ्यक्रमों में 2 विदेशी भाषा फ्रेंच एवं जर्मन के पठन पाठन की शुरुआत की गई है। मुझे यह आपसे कहते हुए गर्व है कि शायद
हम भारत के पहले कैसे कृषि विश्वविद्यालय हैं जहां पे विदेशी भाषाओं की पढ़ाई शुरू की गई है, ताकि हमारे छात्र जब निकले तो उन्हें एक विदेशी भाषा में थोड़ी पारंगता हो, ताकि उन्हें बाहर प्रवेश ले, बाहर की यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने तथा बाहर की यूनिवर्सिटी में जॉब लेने में कम कठिनाई हो। आधारे मन की महाविद्यालय के द्वारा 22 उन्नत बैक्टीरियल स्ट्रेन चयनित कर उसके पहचान है सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी की संस्थान चंडीगढ़ भेजा गया है, जिसके उपयोग से कंपोस्ट बनाने की लागत एवं समय सीमा की कम किया जा सकेगा। एडवांस सेंटर ऑफ मशरूम रिसर्च की देखरेख में प्रदेश के किसानों के द्वारा 10 बटन मशरूम उत्पादन इकाई स्थापित किए गए हैं, जिसकी क्षमता कम से कम 50 किलोग्राम प्रतिदिन और अधिकतम 2 टन प्रतिदिन है। इससे प्रदेश के किसानों की आय में काफ़ी इजाफा हुआ है। एक ये हमारी ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिसके चलते पिछले 10 सालों में हमारी राज्य की मशरूम उत्पादन क्षमता 2000 टन से बढ़कर 22000 टन तक पहुंच गई है और आज हम देश में तीसरे चौथे स्थान पर हैं और हमारे और पहले स्थान के बीच में डिफरेंस कुछ 100 टनों का ही है। गत वर्ष फार्म पर गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन लगभग 4750 क्विंटल हुआ, जो कि विश्वविद्यालय के इतिहास में अब तक अधिकतम उत्पादन है। विश्वविद्यालय के बीज निदेशालय बिहार के किसानों हेतु नए नए प्रभेदों को उपलब्ध करा रहा है। इसी क्रम में गेहूं के 3 नए प्रवर करण वंदना, करण श्रेया और राजेंद्र गेहूं 3 का उत्पादन कर आने वाले आगामी रबी फसलों में किसानों और बिहार सरकार को दिया जाएगा। निदेशालय गेहूं और जौ करनाल से एक MOU किया गया है, ताकि दोनों संस्थान गेहूं और जौ के नए प्रवर के बीजों का आदान प्रदान कर सकेंगे। एक अनुसंधान संस्थान द्वारा कम बीज अधिक क्षेत्रफल तकनीक एकल गांठ विधि द्वारा गन्ने की बुआई का प्रशिक्षण 400 किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दिया गया। 2019 में आई बाढ़ के कारण बहुत जगह गन्ने की बीज की अनुपलब्धता हो गई थी, उसको कम करने के लिए इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। संस्थान द्वारा विकसित गन्ने के प्रभेदों और खासकर राजन गन्ना 1 COP 9301 को राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम प्रभेद तथा 4 प्रभेदों का राजन गन्ना 1 COP 9301 BO13 COP 112 को मुख्यमंत्री गन्ना बीज विस्तार के तहत किसानों के अनुदान और प्रोत्साहन हित शामिल किया गया है। इसी तरह इस प्रभेद विकास के अंतर्गत संस्थान के 5 प्रभेदों को अखिल भारतीय समन्वय विज्ञान राष्ट्रीय स्तर पर शामिल किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 238 जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शुगर केन की प्रजाति थी और जिससे करीब 60% से ज़्यादा एरिया का कवरेज था, वो पिछले वर्ष 2019 में कोलैप्स कर गई। और उसके बाद अगर हमारे पास राजन गन्ना 1 का विकल्प नहीं रहा होता तो राज्य की गन्ना खेती को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता। हमारे वैज्ञानिकों की सूझबूझ से ये राजन गन्ना 1 उपलब्ध था और किसान जल्दी से 238 के राजन गन्ना 1 पर शिफ्ट कर पाए, ताकि जिससे उन्हें कम से कम नुकसान हो। गन्ना प्रसंस्करण इकाई द्वारा गुड़ के अनेक महत्वपूर्ण उत्पाद भी बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस इकाई में किसान एवं उद्यमी अपने गन्ने का प्रसंस्करण कर उच्च गुणवत्ता वाले मूल्यवर्धित गुड़ का उत्पादन कर बाजार में अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। शोध की नई दिशा में हमने एक नया कदम लिया। हमारे वैज्ञानिकों को हम बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने तरबूज से उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ का प्रसंस्करण का कार्य प्रारंभ किया गया है। अगर हम इसमें कुछ हद तक सफलता मिली है और अगर ये सफलता आगे भी और मिल गई तो एक तरबूज से बने गुड़ से किसानों की आमदनी में वृद्धि करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। वर्तमान में गुड़ प्रसंस्करण इकाई ग्रामीण रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्वविद्यालय के लिए बड़े हर्ष की बात है कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन से LPG सिलेंडर की आपूर्ति के सुखेत मॉडल का शुभारंभ जिसे फरवरी में किया गया वो बहुत ही सफल चल रहा है। इस मॉडल की चर्चा एग्रीकल्चर टुडे, इंडियन एक्सप्रेस और आउटलुक मैगजीन में हुई है और इसे अन्य जगहों पर मार्केट करने के लिए ढेर सारे पत्र आ रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक किसान मेला आत्मनिर्भर गाँव स्वाभिमानी किसान का आयोजन 7 से 9 फरवरी 2021 को किया गया, जिसमें लगभग 10,000 किसानों और कृषक महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र प्रकोठी, परसौनी, सिवान, दरभंगा,
सुखेत में भी क्षेत्रीय स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में किसान मेला का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली से गुणवत्ता युक्त बीज के पौधों को डेयरी फ्लावर पुणे महाराष्ट्र भेजा गया है। आज ये बताते हुए बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लाल किले से अपने भाषण में शाही लीची का भी जिक्र किया, जो हमारे लिए गौरव की बात है। साथियों, आप लोगों के सहयोग, कर्तव्य निष्ठा और लगनशीलता से विश्वविद्यालय नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चाहे अनुसंधान हो, प्रसार हो, बीज उत्पादन हो या किसी शिक्षा हो, हर क्षेत्र में प्रगति की ओर हम अग्रसर हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हम देश के एक अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में उभर कर सामने आएंगे। अंत में पुनः आप सबों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और विश्वविद्यालय राज्य और देश के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। अपनी बात समाप्त करते हुए विश्वविद्यालय के लिए मैं चार पंक्तियां कहना चाहूंगा। लक्ष्मण रेखा के दास, लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक जाकर ही फिर आते हैं। वर्जित समुद्र में नाव लिए, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। गौरव की भाषा नई सीख, गौरव की भाषा नई सीख, सिमटी हुई आवाज बदल, सिमटी हुई बाहों को खोल करो, उड़ने का अब अंदाज बदल। हमारे विश्वविद्यालय के लिए आगे आने वाले वर्षों में यही हमारी टैगलाइन रहनी चाहिए कि हमें अब और ऊंचा उड़ना है आसमान में। हमने बहुत सी ऊंचाइयां छू ली हैं जो कभी अकल्पनीय लगती थी, आज वो हमारे पहुंच में हैं। और पर इन ऊंचाइयों को और आगे बढ़ना है, हमारा पथ आगे बढ़, इस पथ पर हम आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अपनी अमृत पानी स्कूल चला प्रोग्राम नहीं, वहाँ से ठंडा बनाया गया और फिर स्पीच किया गया। स्कूल कोरोना वायरस के चलते बंद था और बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते थे, जिस कारण से उन लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया ना तैयारी किया, इसलिए कारण से वहाँ कुछ ज़्यादा फंक्शन में परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो हमने कुछ वीडियो बनाया है, वो आप देखिएगा। और चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।